राजधानी पटना में साइबर ठगी का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी कड़ी में पत्रकार नगर थाना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जाता है कि पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में हार्ट अस्पताल के पास एटीएम के बाहर दो सातिर खड़े थे। पुलिस जब उनके पास पहुंची तो एक सातिर बाइक लेके फरार हो गया, लेकिन दूसरे साइबर ठगी का जो मेंबर है उसकी गिरफ्तारी होती और हैरान करने वाला मामला सामने आता है। आपको तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए और समझिए किस प्रकार से जो मुन्ना नामक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की और उसके बैग को जांच किया तो देखिए 60 एटीएम और तकरीबन 1.5 लाख कैश बरामद हुआ है। पूछताछ में बताया जाता है कि जिस प्रकार से जो गिरफ्तार मुन्ना है वो तमाम लोग जो गरीब तबके के लोग रहते थे उन्हें पैसे का लालच देके उनके डॉक्यूमेंट्स लेके उनके नाम से अकाउंट खुला लेते थे और ये साइबर ठग जो है जिस प्रकार से लोगों को लॉटरी देने का लालच, कौन बनेगा करोड़पति देने का लालच ठगी करता था और जो भी साइबर ठगी के माध्यम से जो पैसे ठगे जाते थे वो इन लोगों के पास से इन्हीं के अकाउंट में बरामद किया जाता था। गिरोह के सरगना बैपास थाना क्षेत्र के मकान थाना क्षेत्र के कीमती जमीन बना रखा है। अब आप समझ सकते होंगे ये तमाम साइबर ठगी के माध्यम से उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं और बेस कीमती मकान को भी बाईपास में खरीद रखा। और देखिए आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं और आप भी समझिए कि किस प्रकार से ये साथी ठग जो हैं कोटक का ये एटीएम कह दे कोटक महिंद्रा बैंक और तमाम जो चीज़ें हैं आप समझिए कोटक का ये भी एटीएम है। तमाम आपको हर एक बैंक के एटीएम आपको दिख जाएंगे। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, SBI, ये तमाम जो बैंक है उसके एटीएम है। और आप समझने की ज़रूरत है ये HDFC बैंक और जो मुन्ना की गिरफ्तारी हुई है जो पत्रकार नगर थाना प्रभारी हैं मनोरंजन भारती जी उनको एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और इनके गिरोह के बारे में हम आपको समझाना चाहेंगे कि आखिर ये कैसे ठगी करते हैं। कोई भी भोले वाले व्यक्ति को बताते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आप अपना ATM पिन नंबर बताइए और उसके बाद आपके अकाउंट में किसी तरह की तकनीकी खराबी आ गई और उसके बाद ATM का नंबर जानेंगे और उसके बाद पलक झपकते ही आपके लाखों और हजारों रुपए जो हैं वो अपने अकाउंट में करवा लेंगे। वहीं आप देखिए किस प्रकार से लगातार जो है ये 60 ATM 1.5 लाख कैश बरामद किया गया। मुन्ना की गिरफ्तारी हुई है लेकिन मुख्य सरगना जो वो भागने में फरार हो गया। तमाम मामलों को समझेंगे कि आखिर किस टाइप के अपराधी है, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। सर हमारे साथ मौजूद है, सर क्या मामला है, आखिर कौन ये साथी होता है और किस प्रकार से इनकी गिरफ्तारी हुई? ये मतलब ये साइबर फ्रॉड के जरिए ये लोग आम लोगों का अकाउंट से पैसा मतलब वो निकाल लेते हैं और फिर अपने अकाउंट में डलवा लेते हैं और उस पैसे को फिर निकाल करके फिर अपने लिए यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है 60 ATM बरामद होना, आखिर ये किस प्रकार से लोगों से ठगी करते थे और ये इतना बड़ा इतना जो डॉक्यूमेंट्स है आखिर कैसे ये लोग अकाउंट खुलवा लेते थे? ये लोग पूछताछ में क्या बताया इन्होंने? इन लोगों ने बताया कि ये लोग जो है फर्जी तरीके से मतलब किसी का मतलब फर्जी ID कार्ड PAN कार्ड बनवा लिया है या फिर सुदूर क्षेत्रों में जो आम जनता है उनसे बोलते हैं कि आपका अकाउंट खुलवा लीजिए अपना और डेबिट कार्ड दे दीजिए हमको, आपको जो है सर्टेन अमाउंट हर महीना देंगे। लोग समझ नहीं पाते हैं, अपना अकाउंट खुलवा के देते हैं लोगों को सभी ATM कार्ड और वो अकाउंट बुक, ये लोग उन अकाउंट में डालते हैं ठगी के पैसों को ताकि पुलिस वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। पुलिस जब करते ही नहीं है और अनुसंधान में ये हम लोग जब करते हैं तो मालूम होता है कि वो जो अकाउंट है कुछ ऐसे अकाउंट होल्डर हैं जिनका नाम पता ही गलत है या कुछ ऐसे अकाउंट होल्डर हैं जो कि बहुत गरीब होते हैं उनको पला फुला कर अकाउंट खुलवा लिया गया है। सर लेकिन एक चीज़ है, जागरूकता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ये तमाम ठगने वाले जो गिरोह हैं वो बताते हैं कि आपके अकाउंट का KYC करवाना है, आपका ATM ब्लॉक होने वाला है उसका डिटेल दीजिए, तो और जो फोटो स्टेट करवाने जाते हैं जो लोग वो एक एक फोटो स्टेट वाले रख लेते हैं और इनका तालमेल कहीं ना कहीं ऐसे गिरोह से रहता है। वैसे लोगों को किस प्रकार से आप नहीं हम लोग बताना चाहेंगे? ये लोग मतलब ये लोग जो इनका जो एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क है और इनका एक संगठित गिरोह है, हम लोग गिरोह के जो मेम्बर्स हैं सबको पहचान करेंगे और वो लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, कैसे मतलब फर्जी तरीके से खुलवाते हैं अकाउंट, फिर कैसे कैसे डालते हैं, इन सब तरीकों पर हम लोग एक बिंदुवार करेंगे अनुसंधान। मुख्य सरगना कौन है?
शम्मू कांत नाम का आदमी है, नालंदा का है, नालंदा का है सर। मकान भी खरीद रखा है सर यहाँ इनका। इन्होंने इनका जो पकड़ा गया, उन्होंने बताया कि बाईपास में इन्होंने जमीन लेकर के एक मकान बना रहा है वो। देखिए कहीं ना कहीं बड़ी सफलता सीधे तौर पर कही जा सकती है। 60 ATM और जो गिरफ्तार आरोपी है उसने पूछताछ में सीधे तौर पर बताया है कि खुद का बैंक कर्मचारी बताता था, अधिकारी बताता था, और लोगों को कॉल करता है KYC कराने के नाम पे ATM आपकी ख़राब हो सकती है, उसका नंबर दीजिए। यह तमाम चीज़ों को भला फुसला कर लोगों को ठगी करता था। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो सफलता है, सबसे बड़ी जानकारी मिली है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो स्टेट करवाने जाते हैं दुकान पर, तो दुकानदार के साथ भी इनकी संलिप्तता रहती है, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो स्टेट है वो दुकानदार रख लेते हैं और इन गिरोह के मेंबर को दे देता, और उसके बाद फर्जी तरीके से आपके नाम से अकाउंट खुलवा लेते हैं और ठगी के पैसे आपके अकाउंट में डलवाते हैं। तो कहीं ना कहीं होशियार होने की ज़रूरत है, और सीधे तौर पे इसे बड़ी सफलता कही जाएगी। इसके जो मुख्य सरगना है उसको लेके भी पटना पुलिस जो पत्रकार नगर थाना लगातार छापेमारी कर रही है, और जिस प्रकार से लगातार साइबर ठगी जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा रूप लेते जा रहा है, और इनका जो नेटवर्क है वो धीरे धीरे बिहार से अन्य राज्यों के साथ भी फैला। जरूरत है, अगर आपके पास भी इस तरह के कॉल आते हैं तो आप बैंक में जाइए, और अगर आप फोटो स्टेट करवाने जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो फोटो स्टेट करवाते हैं उसका भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसके अन्य जो मेंबर है उसको लेकर भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी करे। रोहित, NBC 24 पटना।